ग्राफ में कैसे शो करना है। तो पहले तो आप ये एक्स एक्सिस खींच लीजिए और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली खींचिए और वाई एक्सिस वर्टिकली, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करने चाहिए। अब देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा इसको हम लोग लिखेंगे ओ, ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। अब देखिए हम लोग इसको शो करना है, तो पहले हम लोग स्केल बनाएंगे। अब देखिए ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस को लेंगे। अब देखिए एक्स एक्सिस में हम लोग या तो एब्सेंट स्टूडेंट को लेंगे या तो क्लासेस को, तो चलिए हम लोग अभी क्लासेस को ले लेते हैं। तो कितने क्लासेस है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 क्लासेस है। तो हम लोग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 क्लास, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में हम लोग 1 क्लास को डिनोट करेंगे। अब आएगा हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, तो इसमें हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल, देखिए हमारा हाईएस्ट क्या है, 6 है हमारा हाईएस्ट, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग को यहाँ पहले 1 cm का गैप छोड़ देना है, यहाँ पे आप 1 cm का गैप छोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्लास कौन सा है, क्लास फोर्थ, तो लिखिए क्लास फोर्थ लिखेगा, लेकिन यहाँ पे जैसा लिखा है मैं सिर्फ फोर्थ ही लिख रहा हूँ, ये फोर्थ, यहाँ पे क्लास फोर्थ भी लिख सकते हैं, ये क्लास फोर्थ। अब देखिए अब 1 cm का छोड़ के आप फिर से लिखिए क्लास फिफ्थ, अब यहां पे क्लास सिक्स्थ, अगर आपको जगह नहीं बचा तो पहले से आप एरो मत लगाइए, उसी वाला और एंड खींच दीजिए, ये अब सिक्स्थ के बाद सेवेंथ। क्लास सेवेंथ अभी आखिरी क्लास, ये हो गया हमारा क्लास एट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए हमारा हाईएस्ट 6 है, तो पहले हम लोग क्लास 4 को लेंगे, तो देखिए क्लास 4 में 5 स्टूडेंट एब्सेंट, तो यहाँ तो ये हो गया हमारा क्लास 4 का। अब देखिए ये खींचा गया हमारा क्लास 4 का, अब क्लास 5 का देखिए उसमें 4 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो ये 4, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनेगा हमारे क्लास 5 का, तो ये हो गया हमारे क्लास 5 का। अब देखिए हमारा बारी आता है क्लास 6 का, तो ये रहेगा ये, देखिए ये हो गया हमारा क्लास 6 का, तो ये हो गया हमारे क्लास 6 का। अब देखिए हमारे क्लास 7 का है 3, तो ये 3, तो यहाँ पर जाएगा ये 3, क्लास 7 का 3, अब देखिए अब आगे आता है हमारा क्लास 8 का, 8 में है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अगर आप इसको नॉर्मल कॉपी में करेंगे तो आपको ऐसे 1 cm मेजर करके लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको 1 cm मेजर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको हमेशा ग्राफ कॉपी में बनाएं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जब आप यहाँ पे क्लास 4, 5, 6, 7, 8 लिखे हैं तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत है CLASSES। जैसे आप यहाँ पे डेज लिखते तो यहाँ पे आप लिख संडे मंडे ट्यूजडे, तो आप यहाँ पे डेज लिखते क्लासेस। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, एबसेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे आप। तो इसी तरह से आप एबसेंट स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब जब एक चीज याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे आप डेज लिखना संडे मंडे ट्यूजडे, यहाँ पे डेज लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखे हैं तो उसके बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा बारह पूरी तरीके से कंप्लीट होता है।